हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी पीरियोडिक टेबल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका एक ट्रेंड है। ओके, अभी तक हमने जो पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट के ट्रेंड पढ़े हैं वो है वैलेंसी, एटोमिक साइज, तीसरा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। लेकिन जो अब हम फोर्थ जो टॉपिक ट्रेंड पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इसको देखते हैं ये क्या चीज होती है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, एक नेचर होता है। उसके अंदर क्या होते हैं, जब एलिमेंट्स जो होते हैं जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ओके, और कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, उसमें क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के कांटेक्ट में आके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना दोनों एलिमेंट के, उनमें क्या होती है, शेयरिंग होती है। ओके, तो जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें से जो एलिमेंट का नेचर क्या होगा कि वो जो मतलब जिन इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग हुई है उसको अपनी तरफ क्या करने की रखते हैं, वो खींचने की कैपेसिटी रखते हैं। उस नेचर को हम क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट का जो जो नेचर होता है इस नेचर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इसमें क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव का प्रॉपर्टी पाई जाती है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव का करेक्टर्स होता है। अब सपोज किसी एलिमेंट के अंदर क्या होगा कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रखता है वो एलिमेंट, तो उसका कहने का मतलब ये होगा कि वो क्या करेगा कि जो शेयरिंग मतलब जिन इलेक्ट्रॉन के बीच में दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जब दो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनों के बीच में जब शेयरिंग हो रही, तो वो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या रखेगा, खींचने की ज्यादा कैपेसिटी रखेगा, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। और यदि हम ऐसे बोलें कि यदि कोई एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका कहने का ये मतलब होगा कि मतलब वो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगी, जो शेयरिंग मतलब जिन इलेक्ट्रॉनों के बीच में शेयरिंग हुई है उस मतलब शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी कम रखता है। ओके, तो इसका कहने का मतलब होता है हर एलिमेंट के अंदर कम या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ये जो प्रॉपर्टी जो होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, हर पीरियड के हिसाब से, हर ग्रुप के हिसाब से क्या होती है, उन एलिमेंट में मतलब इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। तो ये अभी हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस और डिक्रीजेस इन एटॉमिक साइज। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है जब मतलब इंक्रीज दो कंडीशन में होगी, जब क्या होगा, जब एलिमेंट के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि वो क्या करेगा कि वो एलिमेंट क्या करेगा जिसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, वो क्या करेगा, जो शेयरिंग पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी ज्यादा रखेगा। और ज्यादा रखने की वजह से क्या होगी, उस कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होगा कि यदि मतलब किसी एलिमेंट का एटॉमिक साइज जो है वो कम है, तो यदि कम होगा तो भी वो क्या करेगा, उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, उस एलिमेंट जिसका एटॉमिक साइज कम है उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या करेगा, जो शेयरिंग पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस कंडीशन के अंदर भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। ओके, दो कंडीशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। पहला है न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने पे, सेकंड है यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक साइज कम है तो उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। आपको जितने भी क्वेश्चन यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि इसकी इस एलिमेंट की ज्यादा है इसकी कम है, तो उसके आपको दो ही रीजन से उसको समझाना है, या तो न्यूक्लियर चार्ज के बेस के ऊपर यदि आंसर आता है या फिर एटॉमिक साइज के हिसाब से। ओके, अब यहाँ पे क्या दिखाया, ये हाइड्रोजन का एटम है और ये फ्लोरीन का एटम है। ये दोनों जो एटम जो है या दोनों एलिमेंट जो है उनके बीच में क्या हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से क्या हुआ है कि जो हाइड्रोजन के अंदर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो फ्लोरीन के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ये जो हैं, इनके बीच में क्या होती है, शेयरिंग होती है। जो हाइड्रोजन के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है एक, लेकिन जो फ्लोरीन के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेवन होते हैं। ओके, तो ये क्या करता है कि इनके बीच में क्या हो जाती है,
मतलब ये जो जो इनके जो वैलेंसी शेल, हाइड्रोजन का जो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन है और जो फ्लोरीन के जो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, पेयरिंग होती है। ओके, तो शेयरिंग होती है। ओके, इस शेयरिंग में क्या होता है, ये फ्लोरीन एटम जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसके अंदर। क्योंकि क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि जो मतलब जिन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हुई है, शेयरिंग हुई है, उसको अपनी तरफ ही क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो इसके अंदर जो फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है इस कंडीशन के अंदर। ओके, अब इसके अंदर भी ये बताया गया है कि ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का ही एक मॉलिक्यूल्स बन रहा है, इसके अंदर आप ये देखेंगे कि ये हाइड्रोजन है इसके ऊपर है, ठीक है ना, और ये जो फ्लोरीन है दोनों के बीच में क्या हो रही है, मतलब एक कंपाउंड बन गया है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डेंसर अराउंड द फ्लोरीन एटम देन द हाइड्रोजन एटम। मतलब जब दोनों के बीच में कंपाउंड बन गया ना, तो लेकिन जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाइड्रोजन के, वो हाइड्रोजन का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका जो मतलब क्लाउड्स जो है वो भी किधर की तरफ है, फ्लोरीन के मतलब तरफ ज्यादा है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फ्लोरीन की जो क्या हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई कंपैरेटिवली हाइड्रोजन की। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है ना, इसलिए फ्लोरीन के तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है ही है, इसके अलावा जो ये हाइड्रोजन का जो एटम है उसको भी क्या कर रहा है, अपनी तरफ ही क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का के अंदर वेरिएशंस क्यों आता है हर पीरियड्स के अकॉर्डिंग और ग्रुप्स के अंदर। पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन कैसे होता है, पीरियड और ग्रुप से होता है। तो हर पीरियड के अंदर अपन को समझना है कि एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी उसमें वेरिएशंस क्या आता है, ग्रुप में वेरिएशंस क्यों आते हैं। तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एज द टेंडेंसी ऑफ गैन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जैसे जैसे पीरियड के अंदर आप कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ओके, लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब क्या हो गया कि उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज क्यों होगी, उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता है। और न्यूक्लियर चार्ज यदि इंक्रीज हो गया तो वो क्या करता है कि जो शेयरिंग पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उनको क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या करता है वो कैपेसिटी जो होता है वो रखता है। ओके, तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड्स के अंदर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, और वो किसकी वजह से होगी, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होगी। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि जो साइज जो होता है ना, पहला रीजन ये है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा जो है कि एटॉमिक साइज जो हो रहा है, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वो क्या होता है उस समय छोटा होता जाता है। ओके, तो दो रीजन हो गए इसके यहाँ पे, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो इसके एग्जाम्पल है जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो है लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आप देखेंगे कि जो लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो कम होगी कंपैरेटिवली फ्लोरीन के। ओके, तो इसका रीजन एक तो ये है कि जो फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है कम होता है लिथियम के कंपैरिजन, पहला रीजन। ओके, इसका साइज कम है तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा उसका वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मतलब जिनके बीच में पेयरिंग हो रही है, तो उन पेयर्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होगी वो फ्लोरीन के अंदर लिथियम के कंपैरिजन जो होगी वो ज्यादा होगी। इसीलिए जो फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा शो करेगा कंपैरेटिवली, ये जो जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं या लिथियम से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो मतलब कुल मिला के जो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो ज्यादा होगी। ओके, दो रीजन आ गए इसके, क्योंकि एक तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कम कम हो गया है और दूसरा इसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है। क्लियर। इसी तरीके से हम डाउन द ग्रुप, जब हम किसी भी ग्रुप के अंदर क्या जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंसी शेल इंक्रीज न्यूक्लियर पुल्स डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम क्या जाते हैं मतलब किसी भी ग्रुप में ऊपर से लेके नीचे जाते हैं, तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस और जो वैलेंसी शेल जो होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस मतलब क्या होता है वो इंक्रीज होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे लेके जाते हैं ना, तो उसका जो एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है।
और एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि दिस डिक्रीजेज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन, मतलब जो जिन इलेक्ट्रॉनों के बीच में शेयरिंग हुई है, दो मतलब एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनों के बीच में शेयरिंग हुई है, उनमें से इलेक्ट्रॉन को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो उसकी टेंडेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यदि उसकी ये टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की अगर कैपेसिटी कम हो गई है तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, मतलब डाउन हो जाती है। तो कुल मिला के किसी भी ग्रुप में आप अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इसके दो रीजन है, एक तो एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है, दूसरा जो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है उसका मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है ना वो कम हो जाती है उस कंडीशन में। तो यही बताया है कि किसी भी ग्रुप के अंदर आप नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। ओके, इसके दो एग्जाम्पल हैं। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम्पल है, फर्स्ट ए का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली सीजियम के। तो इसका रीजन क्या है कि लिथियम की क्यों ज्यादा है। ओके, किसी भी दो एलिमेंट का आपको कंपेरिजन दे देंगे तो जो लिथियम का एक तो क्या है एटोमिक साइज जो है वो छोटा है कंपेरेटिवली सीजियम के, पहला रीजन। ओके, दूसरा ये है कि अगर इसका साइज छोटा है तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, इसके जो न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका जो मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी कंपेरेटिवली इसके। तो इसका रीजन आपको ऐसे समझाना, एक तो एटॉमिक साइज के बेस पे और एक दूसरा न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे। इसी तरीके से जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये कौन से ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है। इसमें ये बताया गया है कि फ्लोरीन जो होगा ये भी क्या है, सेवंथ ग्रुप ए ग्रुप जो है उसके मेंबर्स है, हेलोजन ग्रुप। इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम अप टू डाउन जा रहे हैं, तो अप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होगी जैसे जैसे एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो कम इफेक्टिव हो जाएगा और ये जो होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी कम रखेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये जो जो नीचे वाला जो ग्रुप का जो सबसे नीचे का एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो कम हो जाएगी और जो ग्रुप में सबसे ऊपर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। अब ये एक पीरियोडिक टेबल्स है जिसके अंदर अभी तक आप देखेंगे कि कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं, मतलब 1 से लेके 118 एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्कवर्ड हो गए, इसमें बताए गए हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो क्या है, एक पीरियोडिक ट्रेंड है। ओके, पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब होता है कि मतलब हर एलिमेंट के अंदर ग्रुप वाइज क्या होती है, इसके अंदर पीरियोडिसिटी पाई जाती है। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि मतलब कोई चीज या तो इंक्रीज होगी और यदि कोई मतलब डिक्रीज होगी तो वो चीज मतलब डिक्रीज होती है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल में वो ट्रेंड चलता है, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। ओके, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही हम किसी पीरियड के अंदर कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इंक्रीज हो रही है पीरियड्स के अंदर वो सिर्फ उसके एटॉमिक साइज के अंदर क्या होता है, कमी की वजह से रिलीज मतलब क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, पहला मेन रीजन। दूसरा मेन इसका कंसेप्ट रहेगा कि एक तो एटॉमिक साइज जो होता है, जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज जो होता है वो कम हो जाता है। दूसरा रहेगा कि इसका जो एटॉमिक साइज जैसे ही कम होगा उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके ऊपर क्या होगा, उनको ज्यादा मजबूती से क्या करेगा, मतलब जो दूसरे शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ज्यादा मजबूती से अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, अगर ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है वो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो एलिमेंट का एटॉमिक साइज जो होता है वो बढ़ता जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो इनका जो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा जैसे साइज बड़ा हो जाएगा, सपोज आपने इसका एग्जांपल लिया, इसका साइज सबसे बड़ा है तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो जो शेयरिंग पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी मजबूती से नहीं खींच पाएगा वो। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, तो दो रीजन है, एक एटॉमिक साइज, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज जो है इसका मेन रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके,